सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज़ में वीडियो अपलोड कर देती हूँ या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो बना देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग आई है वो आई है 10,855 के पास। आरबीआई का आज पॉलिसी थी तो इतने अच्छी तरह के से मार्केट ने जो है वो मूवमेंट नहीं दिखाए हमें। तो मुझे यहाँ से आगे ऐसे लग रहा है कि मार्केट जो है वो 750 और 11,000 के बीच में हमें कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर बात करूँ इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तो 750 की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और 11,000 की तरफ रेजिस्टेंस है। तो इन बीच में जो निफ्टी जो है वो हमें कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे सकता है काफ़ी टाइम तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है 8 अगस्त की, कल एक्सपायरी है। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी 50 का। सो 10,855 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब 10,850 की तरफ हम लोग एट दी मनी हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं 10,850 के ऊपर तो कॉल साइड में 5,99,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है वो है 11,000 और 11,100 के ऊपर और 11,200 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें कॉल साइड में जो है वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। वही अगर देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हमें देखने को मिली है तो वो मिली है 11 लाख की, जो कि है 11,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। उसके बाद में 11,100 के ऊपर 11,77,000 की हमें यहाँ पे कॉल साइड में राइटिंग देखने को मिल रही है। वही अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिट भी हुई है कॉल साइड में, 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट 11,200 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है और 11,150 के लेवल के ऊपर 2,35,000 की एग्जिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कॉल साइड में। वही अगर हम देखें पुट साइड में तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 10,800 की तरफ। तो अगर हम देखें तो पिछले बार 10,800 के यहाँ से मार्केट ने एक पुलबैक रैली हमें दिखाई थी, तो अभी वो जो लेवल है वो निफ्टी को जो है वो होल्ड रखना चाहिए। अगर उसके नीचे फिसलेगा तो फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पुट साइड में हमें ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 16 लाख का 10,800 की तरफ और उसके बाद में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,700 की तरफ। वही अगर पुट साइड में हम लोग राइटिंग देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो हमें राइटिंग देखने को मिली है पुट साइड में तो वो है 10,850 की तरफ। वही अगर हम देखें तो पुट साइड में हमें कॉल्स में पुट में एग्जिट दिखाई दे रही है जो कि है 10,300 के ऊपर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके बाद में 10,650 के ऊपर राइटिंग दिखाई दे रही है, 10,700 के ऊपर हमें एग्जिट दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग देखें ओवरऑल ऑप्शन डेटा तो ऑप्शन डेटा से एक जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज यहाँ से नज़र आ रही है तो वो है 10,750 से लेके 11,150 और 200 के बीच में और इसी फेज में निफ्टी जो है वो थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीके हो जाते हैं। तो जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं तो वो सोच समझ के ट्रेड कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। तो अभी हमने ऑप्शन डेटा देख लिया है तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के।
अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 10,855 की तरफ। तो हमने जैसे देखा कि 800 के ऊपर से निफ्टी ने जो है वो अच्छी खासी पुलबैक रैली हमें दिखाई थी, लेकिन ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ जा रहा है निफ्टी को, इसीलिए जो है वो ऊपर की तरफ हमें एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी 50 में देखने को मिला है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखें तो एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है डेली चार्ट पे। तो अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जो है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वो है 780 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी के चांसेस है अभी अपसाइड के, लेकिन अगर ये टूटता है तो निफ्टी जो है वो 550-490 तक गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें, कल के लिए बात करें, तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 830 का। अगर ये टूटेगा तो निफ्टी जो है वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, जो है 800 और 780 के जोन में। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अपसाइड के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 10,880 का, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 10,910 का। अगर मैं बात करूं कि 11,000 के लेवल की, तो 11,000 के लेवल के ऊपर तो निफ्टी को सस्टेन नहीं हुआ जा रहा है, एक बार फिर से वहां पे जाके एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 780 का, और जो रेजिस्टेंस है क्रूशियल वो रहेगा 11,000 का लेवल। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक अपसाइड के लिए 11,200-150 के लेवल हम लोग नहीं देख सकते हैं। वही अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो फिर से एक बार हमें 11,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां से एक बार फिर से हमें सेलिंग प्रेशर निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकता है। 11,000 का लेवल भी तभी दिखाई दे सकता है जब तक निफ्टी 780 अबाव ट्रेड कर रहा है, 10,780 के अबाव रह रहा है तभी तक। अगर 780 टूटेगा तो निफ्टी बहुत ज़्यादा और नीचे गिर सकता है और हमें निफ्टी में फिर से डाउनसाइड के लेवल्स जो है वो फिर से दिखाई दे सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 10,830 का सपोर्ट है और 10,780 का सपोर्ट है। अपसाइड के रेजिस्टेंस है 10,880 का और 10,910 का लेवल, और उसके बाद में 10,950 का लेवल। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है वो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चलो, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी हमने निफ्टी 50 का तो देख लिया है, तो चलिए चलते अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की 8 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। तो अभी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 27,702 के पास। तो 28,000 का लेवल मैंने बोला था, 28,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा निफ्टी बैंक जो है वो 27,500 तक जा सकता है। तो अभी देखिए 27,702 की हमें क्लोजिंग मिली है। तो अभी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, तो 27,700 के ऊपर हम लोग एट दी मनी है। तो अगर कॉल साइड में हम देखते हैं 27,700 के लेवल के ऊपर, तो कॉल साइड में 1,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, और उसके सामने पुट साइड में 2,15,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करें नीचे की, तो 27,500 के ऊपर 4,86,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और उसके सामने पुट साइड में 90,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 28,000 के ऊपर 7,00,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, और उसके सामने पुट साइड में 2,00,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, तो वो है 8,50,000 का, जो कि है 28,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और उसके बाद में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 7,00,000 का, जो कि है 27,900 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम आज राइटिंग देखें तो 27,800 से लेके 28,500 के बीच में हमें बहुत ज़्यादा राइटिंग कॉल साइड में दिखाई दे रही है। वही अगर पुट साइड में हम लोग देखें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है तो वो है 4,86,000 का, जो कि है 27,500 के लेवल के ऊपर, जहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
तो अगर ऑप्शन डेटा से ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी बैंक की, तो जो निफ्टी बैंक की ट्रेडिंग रेंज यहाँ से नज़र आ रही है तो वो है 27,200 से लेके 28,500 के बीच में। तो अभी हमने ऑप्शन डेटा देख लिया है निफ्टी बैंक का, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, और अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 27,702 के पास। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि 28,000 का लेवल जैसे टूटेगा निफ्टी बैंक जो है वो और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स फेल टू सरपास 28,250 एंड ड्रिफ्टेड लोअर्स टूअर्ड्स 27,650। मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बताया था पिछले वीडियो में, 28,250 और 300 के जोन में निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और वहाँ से जो है वो हमें गिरावट देखने को मिली थी, और निफ्टी बैंक जो लो बनाया था वो 27,650 के आसपास लो बनाया था। अभी जो क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक की वो आई है 27,702 के पास एंड एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है डेली स्केल पे, और हमें जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था आज निफ्टी बैंक में। तो अभी निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं, तो देखिए जब तक 28,000 का लेवल उसके नीचे निफ्टी बैंक है तब तक और वीकनेस आ सकती है जो निफ्टी बैंक को लेके जाएगी 27,500 और 27,300 के लेवल के ऊपर, जब तक 28,000 के नीचे है तब तक। अगर 28,000 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन 28,000 के ऊपर एक हडल है, अगर वो क्लियर हो जाएगा तब जो है वो निफ्टी बैंक का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 28,250 का लेवल। तो अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 27,500 और 27,250 और 300 का लेवल। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट वो रहेगा 28,000 का और 28,250 और 300 का लेवल। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए मैंने अपने लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क करके चलिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। आपको कुछ डोनेशन करना है चैनल के लिए तो उसकी लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।